ये वॉल क्लॉक है और इसमें साथ ये जो सोलर प्लेट है वो है, और ये रिचार्जेबल सेल है 4 वोल्ट का, ठीक है 4.5 वोल्ट में होता है। तो इसमें अभी मैं इसको 1.5 वोल्ट बनाऊंगा और ये प्लेट इसको डायरेक्ट कर दूंगा। उसके साथ में से जो आउटपुट वोल्ट बनेंगे जो इसमें वॉल क्लॉक में लगेंगे वो 1.5 वोल्ट करूँगा। तो आइए इसको बनाते हैं। और इसमें हमेशा के लिए जो सेल की ख़राबी होती है, सेल जब ख़राब हो जाता है तो उसकी जो परेशानी है वो ख़त्म करते हैं हमेशा के लिए। सबसे पहले इसको खोलें, इसके में इसके पीछे 4 नट लगे हुए थे, 4 नट को खोल लें। खोलने के बाद इसको आप निकालें और शीशे को कर दें एक तरफ, और उसको जो मशीन है उसको कर दें एक तरफ, ठीक है। तो ये अभी देखें शीशा आ गया, तो इसको मैंने अब बिल्कुल खोल लिया है, ठीक है। तो ये इसमें जो इसके कांटे लगे हुए हैं उसके नीचे आप जगह देख सकते हैं, यहाँ पर देखें ये इसमें लगेगा भी नहीं, उसमें जगह भी हुई पड़ी है, ये एडजस्ट हो जाएगा नीचे हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। तो ये इसमें मैं इसको लगाऊँ फिक्स तरीके से और इसमें कोई मसला भी ना हो, और इसमें ये जगह भी सही लगे, तो इसको मैं इसको लगाऊँगा। तो लगा कर आपको दिखाऊँगा, फिलहाल वीडियो को कर रहा हूँ पुश ताकि इसको कोई पकड़ने के लिए, मोबाइल को पकड़ने के लिए नहीं है। तो दोस्तों ये इसमें ये देखें, मैं ये कांटा फंसेगा भी नहीं, एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। ये देखें इसकी साइज़, ये कांटा इसमें फंसेगा भी नहीं, बहुत ऊपर की तरफ है, ठीक है। दोस्तों ये जो वॉल क्लॉक मैंने सोलर पे बनाया है उसको आपकी मर्ज़ी, चाहे धूप में रखो चाहे कमरे के अंदर रखो, ये दोनों पर चलेगा और ये चार्ज होगा, और ये इंशाल्लाह इसमें जो चार्ज सेल लगा हुआ है वो ता हयात तक ख़राब नहीं होगा। ये टूट सकता है गिरने के बाद, और ये ख़राब नहीं हो सकता।